हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर स्टूडियो चैनल। दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, उसी के बीच में मैं इस 26 जनवरी के लिए आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लाया हूँ जिसमें मुझे आने वाले समय में 50-70% तक का रिटर्न दिखता है। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है FSCL। जी हाँ, इस कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ 5G के नेटवर्क आ रहे हैं और उस 5G के नेटवर्क में कहीं ना कहीं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, और उसी के रिगार्डिंग ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ऑप्टिकल फाइबर और जितनी भी हमारी टेली कम्युनिकेशन प्रोडक्ट की तारें लगती हैं, उन सब चीजों में ये काम करती है। और डिफेंस में भी इनका कहीं ना कहीं काम आता है, डिफेंस में और रेलवे में भी जो तारे लगती हैं उसमें भी काम आता है। वही डिफेंस में कुछ बॉक्सेस लगते हैं जो इनको टेलीकम्युनिकेशन में मदद करते हैं, और यही चीज इनको हर एक प्रोडक्ट में मदद करती है। और वहीं इस कंपनी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँ, इस कंपनी का ज्यादातर जो रेवेन्यू आता है वो पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट से आता है, वही जो मैंने आपको बताया 4G 5G नेटवर्क के थ्रू। और डिफेंस का इनका 21% के आसपास रेवेन्यू आता है, रेलवे में भी इनका 3% के आसपास आता है। वही इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी का अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। 2022 में आप देख सकते हैं 4,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक था, वही 2,000 करोड़ के आसपास इनको डिफेंस का भी ऑर्डर मिला हुआ है। और अगर हम इनके क्लाइंट की बात करें, इनका अच्छे खासे क्लाइंट जियो, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया, BSNL आप देख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और ग्रीन टेल भी आपने सुना होगा, आजकल जितने भागे हुए हैं रेलवे स्टॉक, इन सब भी अच्छे खासे इनके क्लाइंट है। वही कंपनी है, कुछ फंडामेंटल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कंपनी की जो मार्केट कैप आप देखेंगे वो 15,100 करोड़ है। कंपनी की ROCE अगर आप नोटिस करेंगे जो 15 की है और ROE 10 की है, ठीक है, कोई बुरी नहीं है। बस कंपनी में एक दिक्कत है, कंपनी में 44% की प्लेजिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कंपनी में कर्ज नहीं, तो ये एक इशू जरूर बना हुआ है। वही हम उसकी डेट की बात करें तो 900 करोड़ का डेट है, रिजर्व लेकिन अच्छा खासा पड़ा हुआ है, 3,400 करोड़ का कंपनी पे रिजर्व पड़ा हुआ है। वही अगर हम इसके रिटर्न ओवर 3 ईयर की बात करें, 3 साल में इसने 50% रिटर्न दिया। और ये थे इसके कुछ फंडामेंटल, और इस कंपनी में आपको क्यों निवेश करना चाहिए मैं आपको दिखाऊंगा। और उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, इस कंपनी को हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो इनको ऑर्डर मिला है कम से कम 6 बिलियन के आसपास का, जो इन फ्यूचर 5G नेटवर्क जो मोदी गवर्नमेंट 5G से लगी हुई है उसको लेके इनको इतना मोटा ऑर्डर मिला है, उसके रिगार्डिंग ये शेयर भागने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आइए मैं आपको टेक्निकल एस्पेक्ट है जो कूद कूद के बता रहे हैं कि ये स्टॉक आप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्टॉक एक अच्छी खासी रेंज में था और 2002 का ये स्टॉक है। और इस स्टॉक में अगर आप नोटिस करेंगे, सबसे पहले इस स्टॉक ने हाई मारा, इस लेवल के ऊपर ये कभी सस्टेन नहीं हुआ। आप देख सकते, 2002 के बाद जब जब इस लेवल पे आए अच्छी खासी गिरावट हुई। देखिए, 53 से नीचे गिरा, 7 रुपये देखा, फिर दोबारा 53 पे आया, फिर गिरने को मिला, और अब इसने क्या करा, मंथली चार्ट में के ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया है। और अब मैं आपको वीकली चार्ट पे कुछ इस पे ऐसी बातें भी दिखाना चाहूंगा। वीकली चार्ट में ये 50 का जो हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था सपोर्ट पे के ऊपर आ रहा है, वही इसमें आप ट्रेंड लाइन को अगर ध्यान देंगे इसमें अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है, और मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसा पैटर्न दिख रहा है जिसको हम कहते हैं बुलिश पुल एंड प्लग पैटर्न। और अगर आप नोटिस, एक रैली के बाद ये हमें रैली देखने को मिली, एक रैली के बाद इसमें पाउज आया, और इस पाउज के बीच में क्या हुआ, खरीदार भी आए, कई लोगों ने जो नीचे जिन्होंने नीचे की तरफ लिया है वो अपने पैसे निकाल के यहाँ निकल गए। और अब ये क्या कर रहा है, इस रैली को कंटिन्यू करने के लिए दोबारा से इसने ब्रेकआउट दे दिया। और हमने अपने जितने भी हमारे ग्रुप में लोग हैं, हमने उनको काफी नीचे लेवल पे ये स्टॉक दे रखा है, तो ये स्टॉक ऐसा है मुझे आने वाले समय में ये 2x होता हुआ भी देखने को मिल सकता है, जिसका मेरा पहला टारगेट अराउंड 142 का रहेगा। और इस स्टॉक पे आप अपनी नजर बना के रखिएगा। ये थी मेरी FSCL को लेकर आए, आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्त, देखते रहिए हमारी वीडियो। थैंक यू गाइस।